दोस्तों, क्या आप जानते कि रूस ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, जबकि ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, और ये मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से बनी है। और इस मिसाइल का जो नया वर्जन है वो आवाज से करीब 7 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है, और लक्ष्य पर इसका निशाना बेहद अचूक है। ये एक बेहद असरदार हथियार है, लेकिन इसके बावजूद रूस की सेना इसका इस्तेमाल नहीं करती है, और फिलहाल सिर्फ भारत ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। जब भारत और रूस दोनों ने ही मिलकर ये मिसाइल बनाई है, तो रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? दोस्तों, ये मिसाइल मुख्यतः दो तरह की होती है। पहली है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी है क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो रॉकेट तकनीक पर आधारित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में लॉन्च होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल अपने रॉकेट से अलग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल महाद्वीपों में अपने लक्ष्य भेजने में सक्षम होती है, लेकिन ये पहले से निर्धारित अपने लक्ष्य से दिशा नहीं बदल सकती है, और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को टू डायमेंशनल कहा जाता है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो ना सिर्फ पहले से तय लक्ष्य को मार सकती है, बल्कि ये उन्हें खत्म करने के लिए उनका पीछा भी कर सकती है। पर देखा जाए तो ये बिना पायलट के चलते एक छोटे विमान के जैसी होती है। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में 1980 के दशक में भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और फिर बाद में APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाने गए। भारत की पहली घरेलू मिसाइल पृथ्वी 1 देश की मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था, और फिर बाद में धीरे धीरे पृथ्वी की तकनीक पर देश में और भी कई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई। लेकिन 90 के दशक में खाड़ी युद्ध के समय भारत को क्रूज मिसाइलों का महत्व समझ आने लगा था, क्योंकि उस समय समुद्रों में तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों ने क्रूज मिसाइलों के जरिए ही इराक में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इराक के मिसाइल ठिकानों, बिजली स्टेशंस और राष्ट्रपति के महल को अमेरिका की क्रूज मिसाइलों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये क्रूज मिसाइल जमीन से सिर्फ कुछ मीटर ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है। ये साधारण रडार की पकड़ में नहीं आ पाती है, और इन मिसाइलों की बदौलत ही अमेरिका इराक के रक्षा घेरे को तबाह करते हुए इस पर काफी भारी पड़ा था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत भी इन क्रूज मिसाइलों को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, और फिर इसके लिए भारत ने अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से बात की। और उस समय रूस के पास सबसे एडवांस मिसाइल थी P-800 ऑनिक्स, लेकिन भारत इन मिसाइल्स को खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि भारत क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण करना चाहता था। दोस्तों, सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद रूस या रशिया की राजनीतिक और आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, साथ ही उसे भारत की मदद की दरकार भी थी, पर ये दोनों देशों के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस के रूप में सामने आया, और इसका मकसद था P-800 मिसाइल की तुलना में ज्यादा एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना। इस संयुक्त उपक्रम में जहां रूस ने मिसाइल की प्रोपल्शन तकनीक में मदद की, तो भारत ने इसके नेविगेशन सिस्टम को बनाया है। बता दें कि इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था, और 2006 में से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये मिसाइल 4 मीटर लंबी और वजन 3 टन के आसपास होता है, और ये मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम वजन वाले परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है, और इनकी रफ्तार आवाज से भी ज्यादा है। ब्रह्मोस एक बेहद दमदार मिसाइल है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना इसका इस्तेमाल नहीं करती है, और इसकी वजह शायद ये है कि इसकी तकनीक उनकी मिसाइल P-800 ऑनिक्स पर आधारित है, और भारत की मदद करने के लिए रूस ये तकनीक उसे देने के लिए राजी हुआ था। तो ऐसे में ये रूस जैसे बड़े हथियार निर्यातक देश के लिए ये बात नहीं जमती है कि वो ऐसी मिसाइल खरीदे जो खुद उसकी मिसाइल तकनीक पर बनी हो। इसके अलावा P-800 मिसाइल की खासियतें रूस के लिए सूटेबल है, यानी कि जो फीचर्स और खासियतें P-800 मिसाइल में है रूस को बस इन्हीं की जरूरत है। साथ ही ब्रह्मोस से पहले P-800 मिसाइल सर्विस में आई थी, इसीलिए शुरू से इसी का इस्तेमाल होता रहा है। और अब अगर रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना भी चाहेगा तो उसे वॉरशिप और जहाँ से भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है उसे सभी जगह यानी कि सभी लॉन्चर और सिस्टम में बदलाव करना होगा, क्योंकि इन दोनों ही मिसाइल का डायमीटर और लेंथ सेम नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि P-800 मिसाइल इतनी खतरनाक है कि ये किसी को भी बर्बाद कर सकती है, तो इस वजह से भी रूस ने P-800 की बजाय ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस के अब ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनते हैं, और अब अगर रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेगा तो इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा, जबकि रूस को नुकसान, और साथ ही रूस को यह मिसाइल काफी महंगी पड़ेगी और उसे अपने सिस्टम में भी काफी बदलाव करना होगा। साथ ही साथ रूस की इमेज भी खराब होगी, क्योंकि रशिया दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में से एक है। इन सब के अलावा कुछ और भी वजह है जिनकी वजह से रशिया ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करता है। इस मिसाइल की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि पनडुब्बी या युद्धपोत से भी दागा जा सकता है, यानी किसी भी देश से लड़ाई के हालात में ये सभी सेनाओं के काम आ सकती है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदल कर वार कर सकती है, और इसी खूबी की वजह से दुश्मन सेना इसका तोड़ जल्दी नहीं खोज सकती है। दोस्तों, ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार इसलिए माना जाता है
क्योंकि यह अमेरिका की टॉमहॉक से लगभग दोगुनी तेजी से वार कर सकती है और यही खूबी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से बनाती है। वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में भारत के लिए ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि ये चीन जैसे देश की आक्रामकता के लिए चेतावनी भी है। और देखा जाए तो ये ब्रह्मोस मिसाइल सही मायनों में भारत का ब्रह्मास्त्र है।